हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आई होप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो करते भाई आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट। खड़े है भाई वहीं पे जहाँ कल खड़े थे वहीं पे, और अपनी गाड़ी यहाँ से भी लोड नहीं होगी, जिस गोडाउन पे हम खड़े थे यहाँ नहीं लोड होगी। तो ट्रांसपोर्ट वाले भाई को फोन किया था तो वो बोल रहे थे कि आप दूसरे गोडाउन पे चले जाओ, तो वहाँ माल कन्फर्म हो गया है अपना और लोडिंग के लिए बुला रहे थे वो, तो उनका फोन वोन भी आया। तो अब जा रहे हैं हम वहीं पे अपनी गाड़ी लोड करने के लिए, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है, अपने जाने वाले रास्ते पे है मेन रोड पे। तो वहीं पे जाएंगे भाई और अपनी गाड़ी लोड करेंगे। तो फिलहाल मैं रब जी का नाम लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे जहाँ लोडिंग होगी वहीं पे। फाइनली दोस्तों आ चुके भाई गोडाउन पे, अपनी गाड़ी अब भाई यहाँ पे होगी लोड और आगे अंदर कागज लेके ऑफिस में बुलाए हमें, तो फाइल लेके जा रहे भाई ऑफिस के अंदर। तो फाइनली गाइस भर चुके अपनी गाड़ी वाड़ी भाई, और रस्सा तिरपाल करना सारा अपना हो गया, और अब भी जस्ट हाथ मुंह धोए हमने तो काफी हालत खराब हो गई भाई रस्सा तिरपाल करके। और नीलेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं? नीलेश भाई दिन खड़े रहे तो अब बैग भर के पैसा मिल गया, अभी रोकड़ा, अब जाना है घर। देख लो इसके अंदर है, अभी खोलना नहीं है नहीं तो रास्ते में चोरी हो सकते है। भाई मजाक कर रहे है, बिल्टी है परचून, जो परचून माल होता है इसकी ऐसी बिल्टी मिलती भाई, बहुत सारे ऐसी गादी लगा देते, बिल्कुल हाथ में पकड़ाते नहीं। अभी तो फिर भी कमी है इतनी, नहीं तो भाई इतनी सारी दे देते कि पूछो मत आप। तो बिल्टी अपने को तो समझ में भी नहीं आएगी, बस संभाल के ले जाओ और उनको खाली करे वहाँ दे दो। तो चलो फिलहाल में गाड़ी अपनी करते बाहर भाई, और प्रेशर वेशर भरते पहले तो फिर बाहर करते गाड़ी अपनी। तो फाइनली गाइस निकल के आ गए थे भाई अपनी गाड़ी लोड करके, और यहाँ पे अपने गोकुल भाई की गाड़ी भी आ गई है भाई, दो गाड़ी आज साथ साथ में हो गई, और अपने सब्सक्राइबर भाई दो मिलने आ गए यार। देख सकते हो गाड़ी अपनी देखी भाई, तो आ गए इधर है लालू भाई और इधर है विशाल भाई, देख सकते हो। तो विशाल भाई क्या हाल चाल? ठीक हो? और लालू भाई क्या लोड करके आए थे? भिंडी 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 लोड करके। कहाँ से? अच्छा वासदा से लोड करके आए थे। तो करते भाइयों से बातें और भाई की गाड़ी भी बताते भाई आपको। तो ये रही भाई गाड़ी, देख सकते हो GJ21W3271, और गाड़ी मस्त बना रखी भाई ने, छोटी गाड़ी पिकअप, पहले अपने पास भी पिकअप ही थी। ये रही भाई की गाड़ी। तो करते भाइयों से बातें, जल्दी जल्दी डलवाएंगे फिर रखेंगे अपना रात भर कंटिन्यू सफर भाई, देखते हैं क्या होता है अब, देखते हैं क्या होता है अब आगे जाके, अगर 2-3 गाड़ी और साथ में हो जाएगी तो फिर निकल जाएंगे, नहीं तो फिर कहीं रुक के सो जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिलहाल में यहाँ से। तो आ चुके भाई पेट्रोल पंप पे, और अपनी दोनों गाड़ी में डल रहा भाई डीजल, और इधर है गोकुल भाई की गाड़ी लगी हुई है, और जिस पंप पे हम हमेशा डालते भाई उसी पंप पे डल रहा भाई अपनी गाड़ी में डीजल। और देखो भाई उनको भी मैंने रुकवाया, क्योंकि भाई आगे थोड़ा रास्ता चोरी चकारी वाला है, तो भाई की गाड़ी चलाएंगे पीछे पीछे और अपनी गाड़ी दोनों चलेगी भाई आगे आगे। और ये रहे अपने प्रेम भाई आ गए, फिर दो अगली ट्रिप में भी दो थे ना, अगली ट्रिप में भी दो थे, अभी भी दो, अभी भी दो गाड़ी इकट्ठे साथ में हो गई, रीडिंग चालू है अपना डीजल देख सकते हो। 8010 का डलाया भाई, 86 लीटर 76 पॉइंट, और यहाँ का रेट भाई मैं हमेशा बताता हूँ जहाँ भी डीजल डलवाता हूँ रेट, तो 92 रुपए 32 पैसे यहाँ का रेट है भाई। तो गाइस अपना सफर कंटिन्यू है भाई, और अभी फिलहाल में हमने सोनगढ़ को क्रॉस कर लिया है, और अब पहुँचने वाले हैं भाई हम क्या बोलते यार नवापुर से थोड़ा सा पहले, जहाँ हमको इस रोड को करना है बाय बाय।
तो बस इस रोड को छोड़ेंगे यहाँ से, तो सारा जंगल वाला एरिया तो क्रॉस हमने कर ही लिया है। बस अब यहाँ लकड़ी नाके पे पहुंचे और चाय गरम गरम पी रहे भाई, देख सकते हो। और बारिश भी खतरनाक हो रही भाई, और हमारे गोकुल भाई को तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही, देखो देख सकते हो कम्बल ओढ़ रखे भाई। चलो पीते हैं भाई चाय। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंचने वाले भाई शहादा, और अपने छोटू चलाएंगे, अपने छोटे भाई नीलेश भाई चला रहे हैं गाड़ी, और मैं करूंगा भाई आराम, क्योंकि भाई अब बज चुकी है सुबह की 4। तो गोकुल भाई की गाड़ी भी आगे आगे जा रही है, और भी ट्रक वाले भाई जो है वो भी चल रहे हैं आगे पीछे। तो अपना नीलेश भाई चला रहा है भाई गाड़ी, तो चलो भाई सोता हूँ मैं, आराम करता हूँ, और मिलते हैं सुबह आपको। तो गुड नाइट भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हो चुकी भाई सुबह, और चल पड़े भाई वापस अपने सफर पे। तो मैं सोया था और अपना अनिल भाई नीलेश भाई चला रहा था भाई गाड़ी, तो अपनी 86 पे आ गई है। तो बताता हूँ, ये रही भाई इधर छुप के खड़ी है, उपा जी है गाड़ी पे। चलो करो स्टार्ट उपा जी, ये कल लोड करके आए थे सूरत से ही, तो कल लेट ही हो गए थे आने में, तो इसलिए आगे इंदौर गए नहीं, तो आज बस साथ साथ में चलेंगे। और गोकुल भाई की जो गाड़ी है वो अभी जाम में फंसी है सेंधवा बॉर्डर पे, और अपने फूफा जी आ गए। और फूफा जी क्या हालचाल? बढ़िया है भाई, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तो ये रही भाई दोनों गाड़ी, ये रही देख सकते हो भाई 94 भी और 86 भी, 86-80 हो रही पीछे। तो कैसे लग रही भाई रस्सा तिरपाल करे हुए गाड़ी, देख सकते हो आप, मस्त लग रही ना। उसमें थोड़ी कम हाइट है, इसमें ज्यादा हाइट है। तो अपने गोकुल भाई भी आ रहे हैं पीछे, तो जाम में अटके हुए यार सेंधवा बॉर्डर पे। तो हम चलेंगे धीरे धीरे, फिर गोकुल भाई आ जाएगा, तो तीनों गाड़ी फिर साथ में हो जाएगी वापस। और भाई मौसम चेक कर सकते हो भाई, आज का मौसम कितना टॉप हो रखा है भाई, देख सकते हो बाहर का नजारा, और बारिश भी हो रखी भाई लपक के। तो बारिश तो हम जब से निकले हैं सूरत से तब से चालू है भाई, बस सूरत पार हो गए बारिश चालू हो गई थी। और नजारा देखो भाई, पानी पानी हो रहा चारों तरफ, बारिश ही बारिश है, ऐसा लग रहा है कि बारिश के दिन आ गए हैं। और अपनी गड्डी भी आ रही भाई पीछे, देख सकते हो। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. दोनों गाड़ी लगाई भाई साइड में, तो रात को निकले भाई तब से चाय वाय भी नहीं पिए, तो चाय वाय पियेंगे भाई यहाँ पे। तो एक चाय वाला दिखा भाई ये यहाँ पे, तो पियेंगे भाई चाय। और अपने फूफा जी कांच पे कपड़ा मार रहे भाई, और ये रही दोनों गाड़ी देख सकते हैं भाई अपने। और साइड से लुक नहीं बताया भाई आपको, तो देख सकते भाई साइड की लुक ऐसी है अपनी गाड़ी की, और गंदी तो काफी हो रखी यार, वॉश करवाना पड़ेगा, बहुत ही बेकार हो रखी देख सकते हो गाड़ी। और पीछे से भी बताते हैं आपको बैक से, तो चलते हैं दोनों गाड़ी बता देते भाई। ये रही भाई दोनों गाड़ी देख सकते हो बैक से भी, बस रेडियम इसका चेंज करना है, ऐसा पीला डालना है, और ये रबड़ का जो है नीचे सब्जी के सनम लिखा है, इसका भी दोनों को पीला करना है, मतलब पूरी भाई पीछे से पीली दोनों गाड़ी को सेम करेंगे। बाहर का नजारा, मानपुर घाट गणपति घाट है भाई ये, तो मस्त नजारा है भाई देख सकते हो, और बाहर का भी देख सकते हो भाई। काफी मौसम इस साइड में खुला खुला सा है आज, और धूप निकली हुई है, पीछे तो भाई बारिश हो रही थी बहुत ही ज्यादा। तो अभी यहाँ पे ठीक है मौसम,
इंदौर इंदौर में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भाई यहाँ बारिश नहीं है तो इंदौर में बारिश नहीं होगी। तो अच्छा है भाई, बारिश नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि काफी नुकसान होता है इससे। फिर जो कच्चा माल वगैरह टूटता है, आलू मटर, सारी गाड़ियां रुक जाएगी भाई, और सबका काम रुक जाएगा, मजदूरों का भी, गाड़ी वाला का भी, और मंडियों का भी। जो मंडी में माल जाता है वो मंडी में माल नहीं पहुंच पाएगा। तभी दो दिन से तो लगातार बारिश ही बारिश हो रही है यार। पहुंच चुके भाई गोडाउन के ऊपर, अपनी गाड़ी भी लगा ली, अब बिल्टी देने जाएंगे भाई। ये रहे बिल्टी का झोला, तो वो लगा ली भाई अपनी गाड़ी, देख सकते हो उधर। तो चलो बिल्टी बिल्टी देते हैं। तो फाइनली गाइस हो चुकी थी अपनी गाड़ी खाली, और भाई गाड़ी वहां से लेकर के इधर आ गए थे हम, और तीनों गाड़ी भाई इकट्ठी हो गई। तो सामने खड़ी 86-80 बोरी और 94 येरी, नीलेश भाई बैठा है, और उधर गोकुल भाई की गाड़ी जो प्रेम भाई चलाता वही वाली 144। तो आज कोई माल मिला नहीं भाई, और शाम ही हो गई, 5 बज गई शाम की, तो इसीलिए भाई कोई माल नहीं है। तो देखते हैं, तीनों गाड़ी खड़ी है यहीं पे, तो सुबह ही मालूम पड़ेगा। अब तो कुछ लोड होना नहीं है भाई, और बारिश भी आ गई थी, तो आलू वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई बारिश आ गई। आज रात से बारिश चल रही है इधर भी, और आज दिन में भी आई थी बोले सुबह सुबह, तो देख सकते हो बारिश ही है, पानी पानी भर रखा पूरा। आप लोग पूछ रहे थे कि भाई जाने का भाड़ा क्या लगा, आने का भाड़ा क्या लगा, तो एक खर्चे का वीडियो अलग से बनाऊंगा, जो है कि इस ब्लॉग के बाद में अगला आएगा। खर्चे का ही वीडियो बनाऊंगा, और खर्चे का वीडियो डालूंगा मैं, तो उसमें सारा पता चल जाएगा आपको कि क्या भाड़े में गए थे इधर से, और उधर से क्या भाड़े में आए, और क्या बचत हुई, क्या खर्चा हुआ, सारा कुछ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मजे में रहिए। टाटा बाय बाय।